हरियो म्यूजिक के हर एक नया वीडियो देखे खाती हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन के बटन जरूर दबाई ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे मास्टर एक लाइन गीत बड़ी संकेत कैलन यौन गीत बहुत तालका मचौलस कोनो मेहरारू सही धक के जात रहल अमरनाथ भाई मरद आदमी मंचला किसिम के रहल देखलस कलस की हे सुन बोला बोला। अरे लाल पियर पहन के कहाँ जाता है कल हम कहीं जाए लेकिन मर्दा कलस तो सुन एगो बोली बोले रहलो मेरा रुके जम 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 कावेलू जम 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 कावेलू जेवन सरिया तू पहिनी के गीत रल लेकिन आज देखी जाए भैया हमरा आवाज में जो उन समाजवादी गीत आप लोग सुनीला जो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में किया जो विकास किया वह विकास किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं किया और यार आज यह भारतीय जनता पार्टी के राज में इनके सरकार में योगी और मोदी से त्रस्त होकर के पूरा आवाम की एक ही आवाज आ रही है यह सरकार अब चलने वाली नहीं है ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। आज यह संविधान खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है और यह बीजेपी वाले कह रहे हैं सपा और बसपा का जो गठबंधन हो गया हमसे डर करके हो गया। जब यह जाते हैं चुनाव में तो आप लोग सवाल करिए इनसे पूछिए इन बीजेपी वालों से बसपा की सरकार थी बहन मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो ये कहा करते थे कि यह पत्थर वाली सरकार है। अरे बीजेपी वाले आप लोगों ने क्या कर दिया इतनी महंगी मूर्ति लगाई तुमने वह पैसा कहाँ खर्च हो क्यों खर्च किया क्या उससे जनता का विकास हुआ इसलिए आवाम की आवाज आ रही है वह कौन सी आवाज है मास्टर ये आज आवाज माटे सगरा भारत देश के आवाज़ बाटे
बसपा और बसपा का गठबंधन हो गया। बुआ और भतीजा इस देश पर राज करेंगे। अब ये हमारे दलित और पिछड़े कभी तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे, इसलिए आवाज आ रही है क्या? बहुजन की संगे संगे चले समझ पादी, अरे समझवादी, और एक और साई किली और एक वरिया भाभी, खतरे में है, संविधान को बचाना है। अरे बीजेपी वालों, जो वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 15 लाख के बदले 15 रुपया तक किसी के खाते में नहीं गया। विकास के नाम पर कौन सा विकास कर दिया? विकास तो इन्होंने किया। हमारे किसान भाई जो खाद के लिए लाइन लगा रहे हैं और सीमा पर हमारे जवान शहीद होते जा रहे हैं, इसलिए यह गठबंधन हुआ है। यह जनता की आवाज है, आवाम की आवाज है क्या? चोरी हत्या रोजे होले होला बलात्कार हो, बदमाश दिखाई नहीं देंगे। छोड़ दो हमारा प्रदेश, कितने बदमाश छोड़ दिए प्रदेश। अरे बीजेपी वाले, आपके पार्टी में कितने लोग हैं जिनके ऊपर हत्या और बलात्कार का मुकदमा चल रहा है? अखिलेश यादव की सरकार थी हमारे, कहा करते थे गुंडों की पार्टी है, बदमाशों की पार्टी है, अब किसकी पार्टी है? तमाम तुम्हारे मंत्रियों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, क्यों नहीं सरकार यह इस्तीफा दे देती? जोगी जी आपको देना चाहिए, लेकिन यह जनता की आवाज है, कह रही है क्या? चोरी हत्या रोजे होले होला बलात्कार हो,
विकास किया, वह विकास किया। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। विदेश तक चर्चा थी जिनकी, अखिलेश का कोई जोड़ नहीं है। डायल 100 उन्होंने दिया था हमारे पुलिस के जवान को, कहीं भी कोई दुर्घटना होती है 20 से 25 मिनट के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचती थी मौका पर। और आज वह स्थिति है, कभी कभी तेल भी नहीं मिलता है। 108 एम्बुलेंस दिया था उन्होंने, गरीबों का भला हुआ, जिससे एक रुपया नहीं लिया जाता था। दवा मुफ्त उन्होंने किया था, पानी मुफ्त किया था। इतना ही नहीं, हमारे बुनकर भाइयों के लिए, किसानों के लिए सस्ते दर पर बिजली देने का काम किया उन्होंने। क्या किया है आप लोगों ने पूछिए, बीजेपी वालों से जाते हैं आपके बीच में वोट मांगने के लिए, सवाल करिए उनसे। आपने जो कुछ कहा एक भी काम नहीं किया। ऊपर से वही सांड छोड़ देना भाई साहब, इंसान वैसे ही मर रहा है, किसान मर रहा है हमारा, समय से बिजली नहीं उसको मिल रही है। इतना ही नहीं, यह जनता भी अब जाग चुकी है, खोज रही है कि जो नगिले बेरिया आई ललन सर वो तवा मांगे हम ओकरा के खोजे थी। इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश का मैं विकास कर दूंगा, क्या विकास किया उत्तर प्रदेश का इन्होंने। बीजेपी के लोग एक ही काम बढ़िया जानते हैं, झूठ बोलना। अगर सम्मेलन करा दिया जाए पूरे विश्व का, तो इन बीजेपी वालों को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा, इनको प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा झूठ बोलने का। इसलिए यह जनता जानती है अखिलेश यादव ने जो कहा वह करके दिखाया, और यह काम करना नहीं जानते हैं। तमाम योजनाएं चलाई, श्रवण योजना यात्रा जो हमारे अखिलेश यादव जी ने चलाया था, इसलिए चलाया था कि जिस हमारे गरीब भाई के पास पैसा न हो अपने माँ बाप को तीर्थ स्थान तो करा देगा। क्या सोच थी अखिलेश यादव की और इनकी क्या सोच है? अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो सीबीआई को धमकी देता हूँ कि सीबीआई भेज दे तो रहा। सीबीआई पूछताछ करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल किया था, पूछा था, कहा था उन्होंने, बीजेपी वालों कान खोल करके सुन लो, जो व्यवहार हमारे साथ कर रहे हो कल हो सकता है तुम्हारे साथ भी हो। हम विराह के कलाकार किसी से डरने वाले नहीं है। जब पत्रकार डर जाए, कलाकार डर जाए, तो इस देश का भला क्या होगा? हमारे देश के सैनिक की क्या हाल है? सरहद सुरक्षित नहीं खे जंग खेले जवान हो, लेकिन क्या हुआ? आज हमारा सैनिक मारा जा रहा है, चीन घुसता जा रहा है, हिंदुस्तान की धरती कब्जा करता जा रहा है। कहाँ है आप? केवल फ्लाइट में उड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग, केवल झूठ बोलने का। इसलिए सवाल है, क्या सरहद सुरक्षित नहीं खेला जवान हो?